ये आपका बेटा नहीं है, ये कंस का भोजन है। जब ये सुना कि ये कंस का भोजन है तो मैया देवकी रोने लगी, बोले हमारे भैया का काल तो आठवां है, पहले बालक का मेरा भाई क्या करेगा। इसलिए महाराज मत ले जाइए, लेकिन सौगंध खाई लेकर के पहुंचे। कंस ने जब मांस के लोथड़े को देखा तो दया आ गई, छोड़ दिया। देवतागण सोचने लगे कि अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। और यहाँ बाबा चौपाई में लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अदम जब हो ये धर्म की हानि और बाड़े असुर, असुर माने राक्षस और अधम माने नीच और अभिमानी माने अभिमान करने वाला, जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। तो बाबा नारद पहुंचे भोजराज कंस की कचेरी में, कंस गद्दी से नीचे उतरे, नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव वंदनम वापारणा, आइए प्रभु बड़ी कृपा की है जो दास के दरवाजे पर पधारे हो। महाराज क्या संदेश लाए हो? नारद बाबा बोले कि तेरी बहन की जब विदा हुई थी तो कोई आकाशवाणी हुई थी? बोले हाँ हुई थी। बोले तो कोई बच्चा हुआ? बोले हाँ हुआ। कहाँ है? बोले आया था महाराज, लेकिन मैंने वापस कर दिया। क्यों? बोले अरे महाराज मेरा तो कल आठवां है, मैं पहले बच्चे का क्या करूंगा? बोले अरे बाबरे, जब एक चतुर चूकता है तो तीन ठोकरे खाता है। एक फूल लिया उसमें आठ पंखुड़ी, एक गिनी आठ हो गई, एक से गिनना शुरू किया आठ हो गई, दूसरे से गिनना शुरू किया टोटल फिर वही पहुंचे तो आठ हो गई। और महाराज तीसरी बार फिर गिनी, आठ पंखुड़ी फिर कर दी। बोले सुनो कंस, अगर हरेक पंखुड़ी आठवीं हो रही है तो हरेक बच्चा भी आठवां हो सकता है, पहले से ही मारना शुरू कर दे। महाराज बाबा नारद तो चले गए, कंस वहां से भागा। मैया स्तन पान कराई रही, बालक को हाथ में ले लियो, तीन बार हवा में घुमायो, जमीन पे मारो है, मांस की बोटियां बिखर गई। महाराज कंस तो पैर पटकता हुआ चला गया, लेकिन मैया ने मांस को इकट्ठो करके और अपनी
साड़ी के पल्लू में रखो। अब मांस पे मुंह रख के बोली, अरे बच्चा मैंने खोई दो पागल किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने खोई दो को मार दिया। जब सात में गर्भ की बारी आई तो सातवां गर्भ योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब आठवें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर और जेल में बहन बेचारी शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नव मंडल से कुछ देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे, आओ जगधर आओ माधव ये बोल सुनाई देते थे। बड़ी खुशी है लेकिन वसुदेव देव की जेल में ना आए, काल कोठरी में है जहां 24 घंटे अंधेरा रहता है। कंस चार चार दिन का पानी देता ताकि बच्चा स्वस्थ न हो जाए। इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहां प्रगटे जगताधार। भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया तो वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े और एक बात कही है, उद्धार हुआ हम जीवों का जो जगताधार पधारे हैं। खुल गए भाग्य हम दीनों के जो दीनानाथ पधारे हैं। हे प्रभु अब इतना अवसर दो, लू महानैन के झोंकों को, बढ़ सकू नाथ के चरणों तक, छू सकू नाथ के पैरों को। पैर छूने हैं तो भगवान बोले मैं पैर छुलाने नहीं छूने आया हूं। क्यों? देख कर तुम्हारा घोर त्याग
हम तो क्या जग चकराया है, अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा। बोले जब मैं बाल स्वरूप रख लूं आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। ये 501 रुपए श्री सतबीर सिंह यादव भैया फौजी नंगला जगन से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और डॉक्टर धर्मवीर यादव भैया ग्राम प्रधान इकनौर से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया, इन भाइयों ने सभा में सम्मानित किया। ठाकुर जी हमेशा आप लोग यूं ही कहीं भी किसी भी जगह पर धर्म का कार्य हो रहा हो आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, किसी भी बात की कमी न हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले जब मैं बाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। भगवान ने बाल स्वरूप रखा और जब बाल स्वरूप रखा है लिखा है दादा, अभी कोई भी खड़ा नहीं होगा, जब मैं बताऊंगी तभी बधाई पड़ेगी और तभी आप लोग जो भी टॉफी बिस्किट हो तभी फेंकना। निवेदन है माताओं और सभी भाई बंधु, कोई भी खड़े नहीं होंगे। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरियां